Hey everyone, this is Prem Pandey and welcome back to your favorite YouTube channel Educational Hikes. आज एक CBSE की बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ यार. काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम का कैंसिल होना तय हो गया है. एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था स्टूडेंट्स के सामने, पेरेंट्स के सामने, टीचर्स, हम जैसे टीचर्स के सामने, कि क्या हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो लास्ट ईयर के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, क्या वो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके मार्क्स का क्या होगा अगर वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं. तो इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक क्लियर कर दिया है. और क्या पूरा ये मामला है आपको मैं शुरू से बताता हूँ. आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले कुछ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, क्लास 12th के बच्चों के कुछ पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे और उनका कहना था कि अगर इस कंडीशन में, जहां पर इंडिया में, जब इंडिया 4th नंबर पे आ चुका है अब तो COVID-19 केसेस में, इस कंडीशन में अगर हमारे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, वो कहीं पर भी हो, चाहे वो आउटसाइड स्कूल हो, चाहे वो होम सेंटर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन वो प्रोन तो हो जाएंगे ना डिजीज को लेकर. और इससे कहीं ज्यादा टीचर्स की सेफ्टी है ना, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका सेफ होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है. उनके साथ साथ अगर स्कूल खुलता है तो जरूरी नहीं है ना कि केवल टीचर्स और स्टूडेंट्स ही आएंगे, उनके साथ साथ कई ऐसे स्टाफ हैं जिनको CBSE खतरे में डाल रहा है. तो इन सारे मामले को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया है CBSE को. कहा है कि आपको स्क्रैपिंग ऑफ मार्क्स करना है इंटरनल असेसमेंट के बेस पर या प्रैक्टिकल असेसमेंट के बेस पर. दैट मीन्स कि अगर हो सके तो, ध्यान दीजिए मेरे बात को, अगर हो सके, इफ पॉसिबल, तो आप एग्जाम्स कैंसिल कर दीजिए और उनकी जगह पर आप इंटरनल असेसमेंट के बेस पर या प्रैक्टिकल के बेस पर मार्क्स अवॉइड कर दीजिए. एक और बड़ी चीज है यहां पर, प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, कि CBSE ऑलरेडी जो आउटसाइड इंडिया के सेंटर्स हैं उनमें एग्जाम वो कैंसिल कर चुके हैं. लगभग 250 सेंटर्स के एग्जाम आउटसाइड इंडिया में CBSE कैंसिल कर चुकी है. तो फिर CBSE को इंडिया में एग्जाम लेने की इतनी बड़ी जल्दी क्यों है? अभी ICSE की जब बात आती है यार, तो ICSE ने सीधा कह दिया है अगर आपको एग्जाम देना है तो आप एग्जाम देने आओ, हम आपका उसी बेस पर मार्क्स का जो है मैनिपुलेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो करेंगे. अगर आप एग्जाम देने नहीं आओगे तो हम इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के बेस पर एग्जाम देंगे. कुछ ऐसा ही अगर CBSE भी कर देता है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा CBSE की हिस्ट्री में. और एक चीज और यार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे CBSE बोर्ड से, क्योंकि अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एग्जाम्स तो होंगे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये 10th एंड 12th का सवाल है. अगर 9th एंड 8th एंड 11th का होता तो वो कब का जनरल प्रमोशन दे चुका होता. आप देख ही रहे हो 1 to 8, 9 एंड 11 के बच्चे जनरल प्रमोशन से प्रमोट हो गए हैं, बट 10th एंड 12th के लिए इतना माजरा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्यूजडे तक अगर CBSE कुछ ऐसा कर सकता है, कोई ऐसा अल्टरनेट निकाल सकता है जिससे कि एग्जाम ना हो और बच्चों को मार्क्स भी दे दिए जाएं, तो इन सारी बातों को लेकर CBSE सीधा और सीधा हमारा जो मंगलवार है ट्यूसडे को जवाबदेही है इसकी. सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे तक CBSE से जवाब मांगा है कि आप इसकी तरफ क्या कदम ले रहे हैं अगर आपको एग्जाम लेना है. ऑलरेडी CBSE बहुत कुछ कह चुकी है कि हमारा सैनिटाइजेशन होगा स्कूल में, हम बहुत सेफ्टी से एग्जाम लेंगे, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं रिस्क तो है. अगर आप बच्चे हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम के सेंटर पर भी रिस्क हो सकता है, हमारे वर्ल्ड ट्रैवलिंग भी रिस्क हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप है, मैं उसके साथ हूँ. और मैं भी यही चाहूँगा यार कि प्रैक्टिकल के बेस पर और इंटरनल असेसमेंट के बेस पर हमारी जो CBSE है वो मार्क्स अलॉट कर दे. तो दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट. आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा. एंड सून एज पॉसिबल अगर हमें वो बड़ी न्यूज मिलती है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया है CBSE ने और हमें इंटरनल असेसमेंट के बेस पर पास कर दिया है, तो वो भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.